लेकिन आप पर बड़े गंभीर आरोप लगे कि आप लोगों ने जो है छुपने की कोशिश की, कई जो आपके साथी थे वो पता नहीं कहाँ निकल गए, उनको जो है काफी दिन तक खोजबीन जारी रही। देख, आप लोग कब से जुड़ना शुरू हुए थे मरकज में? आपकी मौलाना साद साहब से आपकी मुलाकात हुई थी मरकज में? देख, मीडिया में भी जो है बहुत सारी बातें आप लोगों को लेकर के कही गई, बहुत सारी जो है स्टोरियां अलग अलग चली, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वहां पर आप लोगों का इकट्ठा होना वो सही था, या आपको भी लगता है कि गलती हो गई, या फिर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें थी कि इस तरह की महामारी का दौर है, ये भी बीच में खबरें आई थी कि जो मरकज के लोग हैं, टीवी पर ये खूब चला कि मरकज के लोग जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, खाने थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। हाँ, ये लेकिन आरोप भी लगे थे ना कि जमात के लोग जो है वो छुप गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से जो है बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। नहीं, एक वक्त में जो है ये कहा गया कि जमातियों की देन ही है कोरोना। हाँ, भारत में। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर के बाहर हैं, जहां पर आज तबलीगी जमात के पॉजिटिव जो व्यक्ति यहां पर क्वारंटीन किए गए थे उनको जो है वो आज छुट्टी मिली है, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इन्हीं से बात करेंगे, काफी सारे सवाल जो है वो लगातार पिछले डेढ़ महीने से जो है वो खड़े किए जा रहे थे, उन्हीं सवालों का जो है उत्तर लेने की कोशिश करेंगे और तबलीगी जमात के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? इनाम उल हक मेरा नाम है, मैं ओखला से हूँ और हम लोगों को निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से जो है एक तारीख को लेकर गए थे, एक अप्रैल को। जी हाँ, अप्रैल को। तो उसके बाद फिर ये हम लोगों को द्वारका लेकर गए हैं, द्वारका में जो है कुछ दिन उन्होंने रखा, उसके बाद हमारा टेस्ट किया है, टेस्ट में इन्होंने कहा कि आपको पॉजिटिव है। फिर लोकनायक हॉस्पिटल हम लोग गए, वहाँ पर जो है कुछ वक्त रहे एक आध दो दिन, उसके बाद ये हमें सीधा सुल्तानपुरी लेकर के आए हैं। मरकज से आप लोगों को कब जो है निकाला गया मरकज से? अभी हम लोगों को पूरा आज 40 दिन हो गया मरकज से निकले हुए। किस तारीख को आप मरकज से निकले थे? आप लगाइए ना, आज 40 दिन हो गया हम लोगों को, 10 दिन इस महीने के ये ले लिए और एक तारीख को निकले समझ लिए। 20 तारीख के आसपास, 24 तारीख को जो है लॉकडाउन हो गया था। जी जी। और उसके बाद में जो है वो 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ और उसके बाद में जो है मरकज की, उसके बाद वो जो एक हफ्ता पूरा उसके अंदर जो लगा वो पूरा सारी बात सबके सामने है कि वो निकलने नहीं दिया गया, आने नहीं दिया गया, वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस एक हफ्ते चला। लेकिन जो लोग निकलना शुरू हुए वो 29 तारीख के बाद निकलना शुरू हुए वहाँ से, 28 के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ कि लोगों को वहाँ से निकाला गया और वो अलग अलग सेंटर्स पर या हॉस्पिटल में जो है उनको लेकर के गया गया। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि हमने अर्जी दी थी लेकिन पुलिस जो है वो निकाल नहीं रही थी, बाद में ये कहा गया कि आप लोग जो है वो निकलना नहीं चाह रहे थे। देखिए, ये तो बात वाजे हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में ये बात जो है पूरी तरह खुल चुकी है, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि निजामुद्दीन ने क्या कोशिश की मजमे को निकालने के लिए और उसमें जो है कौन रुकावट बना, ये लोग सब जानते हैं। बार बार ये सवालों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, सब जानते हैं कि मरकज के लोगों ने बार बार जाके जो है वहाँ जो थाना है बराबर में वहाँ पर अपील की लोगों से, उनसे जो है जो वहाँ के इंचार्ज है उनसे बार बार कहा, लेकिन जो है वो बात ये थी कि भी हमें ऊपर से ऑर्डर, वो सारी चीज़ें वाजे हैं, उसको बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। हमारे साथियों ने पूरी कोशिश की कि वो मजमा वहाँ से निकले लेकिन वो नहीं निकला। खैर, बहरहाल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब पुरानी बातों को बार बार दोहराने से या हम सरकार को ब्लेम करें या सरकार हमें ब्लेम करें, इससे नफरतें बढ़ेंगी। जो हो चुका है वो हो चुका है, मजमा वहाँ से एक तारीख को निकला, क्वारंटीन सेंटर्स में गया, पूरा हवा बनाया गया, पूरा जो है शोर मचाया गया कि साहब ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा जो है अल्लाह के फजल से नेगेटिव हुआ और जो है आज अपने अपने घरों को जा रहा है। और मैं जो है यहाँ पर जितने भी पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सबका दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे हमारे लोकल के साथी जिन्होंने पूरी मदद की खाने के एतबार से और जो है साफ सफाई के एतबार से, हम सब के शुक्रगुजार हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो हमारे साथ हुआ हम उस पर सब्र करेंगे, हमारी किताबों में हमारे रसूल हमारे अल्लाह की तरफ से ये है कि जो हाल आता है उस पर हम सब्र करें, सब्र के साथ अल्लाह की मदद आ रही है और आई है और आएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप पर बड़े गंभीर आरोप लगे कि आप लोगों ने जो है छुपने की कोशिश की, कई जो आपके साथी थे वो पता नहीं कहाँ निकल गए, उनको जो है काफी दिन तक खोजबीन जारी रही। देखिए, ये सारी बातें बगैर सबूत के बगैर दलील के हैं, कौन कह रहा है कहाँ छिपे हैं? जैसे भी बात क्वारंटीन सेंटर्स में जाने की और अपने आप को जो है इस इधर लाने की बात आई है बड़ों की तरफ से, फौरन सारे साथी, और हमने तो मरकज से खुद भी किसी को नहीं जाने दिया, सारे साथियों को डॉक्टर्स के चेकअप के होते हुए वहां से पूरा वो जो प्रोसेस था डॉक्टर्स का वहां से होते हुए सब साथी क्वारंटीन सेंटर में आए हैं, कोई साथी कहीं नहीं गया है। ये सारी बातें सरासर झूठ हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। सुल्तानपुरी में कितने आपके साथी थे जिनको लाया गया? सुल्तानपुरी में तो मुझे खुद आए हुए यहाँ 22-23 दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 750 साथी हैं हमारे जमात के और भी अलग अलग सेंटर्स पर हैं जो 2,500 साथियों को जो है ये लोग लेकर के आए हैं वहाँ से। तो यहाँ पर जो सुल्तानपुरी में है वो तकरीबन 750 लोग हैं। कितने लोग थे टोटल मरकज में, एक अंदाजा कितने लोग रहे होंगे? ख्याल से 2,000 के आसपास जो ये बता रहे हैं, हमें तो पूरी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, वो तो जिन लोगों ने वहाँ पर एंट्री की और निकाला मजमे को उन्हीं के पास वो पूरी चीज़ें हैं। आप लोग कब से जुड़ना शुरू हुए थे मरकज में?
मरकज में तो हम लोग, चूँकि हमारी भी एक धार्मिक जगह है और वहाँ पर जो है अलग अलग पीरियड के लिए, वक्त के लिए लोग आते हैं, कोई दो महीने के लिए खिदमत के लिए आता है, कोई जो है एक महीने के लिए खिदमत के लिए आता है, तो वो अलग अलग अपने वक्त को लेकर लोग वहाँ पर आते हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो लोग आ रहे थे, लोग धार्मिक कार्यक्रम था, आ नहीं रहे थे वो, तो असल में जगह क्या है, मस्जिद है, उस मस्जिद में धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं और वो रोटेट होते हैं, 24 घंटे वो घूमते रहते हैं, तो वो तो लोग आते हैं उसके अंदर और जो है अपना खिदमत करते हैं और अपने वक्त पर चले जाते हैं। उसमें किसी के लिए कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि कोई आदमी अगर दो घंटे करना चाहता है तो हम उसको रोक देंगे, नहीं करें, वो तो जो जितना वक्त करना चाहता है करें। आपकी मौलाना साद साहब से आपकी मुलाकात हुई थी मरकज में? देखिए मौलाना साद साहब से तो हर किसी की मुलाकात इसलिए नहीं, चूँकि भाई इतनी भीड़ होती है, सौयों का हज़ारों का मजमा होता है, तो हर आदमी उनसे मिले ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो प्यार का पैगाम और जो बात उनकी तरफ से सारी दुनिया के लिए है वो सिर्फ फ़कत मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारी इंसानियत को वो प्यार का पैगाम देते हैं। और हमारे पास तो ये बंगले वाली मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी नेमत है, और मैं तो कहता हूँ अपने दूसरे भाइयों से भी, सारे अपने पूरे मुल्क के भाइयों से, कि वहाँ जो बात कही जाती है उसको हम सब सुने, उसमें हम सबके लिए भलाई है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें हम सबके लिए भलाई है। लेकिन अभी भी आरोप लग रहे हैं कि साद साहब जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है आप उसके बारे में कह रहे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं क्या है, देखिए ऐसा नहीं, हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस, हमें जो है अपनी हुकूमत पर पूरा भरोसा है, हमारे पुलिस के जितने भी साथी, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं सब पर हमें पूरा भरोसा है, सबकी सारी जानकारी के साथ सारे काम होते हैं। हमें ये कह देना किसी मतलब बगैर किसी दलील के सबूत के कोई आदमी फरार है, कोई आदमी नहीं मिल रहा, ये मुनासिब चीज़ नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है कहना इस चीज़ को। सुल्तानपुरी क्वारंटीन से ये भी खबरें आई कि आप लोगों ने यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट किया है। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये भी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला ने जो है जिनके बारे में ऐसी अफवाहें सारी दुनिया में जो है उड़ाई जा रही थी कि ये लोग जो है इस चीज़ को फैला रहे हैं, हालांकि हमारा काम और हमारी बंगले वाली मस्जिद से जो बात कही जाती है वो तो एक प्यार का पैगाम सारे आलम के लिए है, और वहाँ पर ये बात कहना इतना बड़ा दाग लगाना कि भाई जो है वो लोग जो है इस चीज़ को फैला रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने देखो उन्हीं को। आपने भी प्लाज्मा डोनेट किया? जी मैं तो नहीं कर सका चूँकि वो जो उसका वो था वो अभी बीच में लोग रोक दिया है, लेकिन हाँ काफ़ी सारे साथियों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने जो है यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट किया, और अल्लाह ने जो है दिखाया कि भी देखो जिनके ऊपर जो है आप कीचड़ उछाल रहे थे उन्हीं लोगों का खून अल्लाह ताला ने जो है। मीडिया में भी जो है बहुत सारी बातें आप लोगों को लेकर के कही गई, बहुत सारी जो है स्टोरियाँ अलग अलग चली, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर आसमान पर थूकेगा तो वो खुद थोड़ी देर बाद उसका रिजल्ट देख लेगा कि वो थूक कहाँ जाएगा। देखो किसी इंसान पर जो सही है उस पर कीचड़ उछालना, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला एक है, हम सबको एक ने बनाया है, इस दुनिया के सिस्टम को, निज़ाम को एक चला रहा है, तो वो सब कुछ जानता है और उसके चाहने से ही सब कुछ होता है, आप समझ रहे मेरी बात। तो किसी ने हमारे ऊपर कीचड़ उछाली या किसी ने हमारे ऊपर थूका तो उससे हम गंदे नहीं हुए बल्कि थूकने वाले को ऊपर वाले ने गंदा किया, और ये हमेशा से हुआ है और होता रहेगा। सच्चाई की जीत होती है और वो होती रहेगी हमेशा, अंधेरे की कोई हैसियत नहीं होती, वो कितना भी गहरा और काला हो जब दीप आएगा रोशनी जलेगी तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आप लोगों का इकट्ठा होना वो सही था, या आपको भी लगता है कि गलती हो गई, या फिर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें थी कि इस तरह की महामारी का दौर है? देखिए वहाँ पर लोग इकट्ठे रहे वो तो मैं फिर दोबारा इस बात को कहूँगा, मैंने पहले भी आपको वाजे किया कि जो मजमा वहाँ पर मौजूद था उसको जानबूझकर वहाँ पर जो है बंद किया गया, ना निकलने दिया गया, मैं इसको बार बार कहूँ बात को, या मैं किसी पर आरोप लगाऊँ ये चीज़ मुनासिब नहीं है। वो एक चीज़ थी होने वाली हो गई, अब उसमें चाहे मैं पुलिस की गलती कह लूँ, चाहे मेरी कह लूँ, चाहे मैं आपकी कह लूँ, ये चीज़ कहना किसी को बार बार ब्लेम करना मुनासिब नहीं है। बस जो होने वाली चीज़ थी वो हो गई, अब ऐसा ना हो, हम उसको जो है डिस्टेंस को मेंटेन करें और सारी जगहों पर जो बात हुकूमत की तरफ से कही जा रही है उस बात को हम माने, जो डॉक्टर जो हमें बात बता रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को समझें और माने। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है लोग अपने से जो है जो स्वाभाविक तौर पर जो है इकट्ठा हो रहे थे, किसी षड्यंत्र के तहत या किसी गलत मंशा के तहत नहीं थे, और पुलिस की तरफ से भी जो है फिर निकलने के लिए आपको, आप निकलना चाह रहे थे लेकिन नहीं निकलने दिया गया, वो सारे वाक्य हुए। देखिए मैं वही बात कहूँगा बार बार, मैं तो ये कहता हूँ इस बात को बार बार ना उठाया जाए, और जो भी वहाँ पर हुआ लोग फंसे हुए थे या वो जानबूझकर थे या उनको रोका गया था, मैं ये चाहता हूँ हाथ जोड़कर मेरी सबसे जो है अपील है, दरख्वास्त है, इन नफरत भरी बातों को ख़त्म किया जाए, ना तो पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाए, ना मौलाना साद के ऊपर उंगली उठाई जाए, ना किसी और आदमी के ऊपर उंगली उठाई जाए, जो चीज़ होनी थी वो हो गई, अब हमें यह है कि हम सब मिलकर इस वबा से, इस बीमारी से लड़ें, डिस्टेंस मेंटेन करें, जो डॉक्टर्स हमसे कह रहे हैं उस काम को हम करें, अल्लाह ताला हमारे इस पूरे मुल्क को, सारी दुनिया को अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए, इससे हिफाजत फरमाए सबकी, बस यही हमारे लिए सबसे जो है सबसे कहना यही है हमारा बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। इकबाल है जी। तो कब से आप जो है यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर 31 मार्च से सेवा कर रहे हैं जी, खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, आप मैनेजमेंट में हैं? मैनेजमेंट ही मान लें जी। अच्छा,
तो कब से जो है यहाँ पर लोगों को आने का सिलसिला हुआ, फिर क्या क्या हुआ, सारी बातें तफसील से कही है। असल मसला तो जनाब एक तारीख या 31 से फैलना शुरू हुआ ऑल ओवर दिल्ली में, जैसे सबको पता है हमारे घर के करीब ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर जैसा भी चल रहा था ठीक है, रोज डे बाय डे गाड़ी आ रही थी, आदमी जुड़ते जा रहे थे, एक दहशत का माहौल भी था। असल मुद्दा था 20 तारीख के बाद का, 20 अप्रैल में जो मुस्तफ़ा थे कोयम्बटूर के, उनकी जब दवाई ना देने की वजह से या खाना ना देने की वजह से वो जो अल्लाह जानता जब मौत हुई है, उनकी कुर्बानी काम आई है। यहाँ के जितने भी पड़ोस के साथी थे, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ हैं, जो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, एक टीम बनाई गई। इसमें SDM त्रिपाठी जी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारा इमरान हुसैन भाई हैं जो खाद्य मंत्री, उनके कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ खिदमत का मौका मिला। और जब से और अब तक हम खिदमत दे रहे हैं, उसमें चाहे दवाई हो, खाने का सामान हो, कुरान शरीफ हो, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जमात के ही साथी हैं, यहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम भी भाई हैं, उनकी भी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। और प्रशासन और तंत्र और जितना भी सिस्टम है, सब भाई अपना कॉम्बिनेशन से काम कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आप भी इधर मैनेजमेंट में? जी, मैं मच्छी मार्केट से प्रधान हूँ और हमारे बड़े भाई उस्मान भाई हैं। तो जैसे यहाँ गाड़ी आनी शुरू हुई तो हमारे SHO साहब थाना सुल्तानपुरी वालों ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि आप इन लोगों को समझाएं। तो हमने उन लोगों को जब यहाँ उतारा गया तो हमने उनको समझाया कि आप यहाँ जब तक भी रहेंगे किसी से कोई बदतमीजी या किसी से भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे और हम आपके साथ हैं। और जो ये भी बीच में खबरें आई थी कि जो मरकज़ के लोग हैं, टीवी पर ये खूब चला कि मरकज़ के लोग जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, खाने थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। हमारे सुल्तानपुरी क्वारंटीन में तो कोई ऐसा मसला नहीं आया। सुल्तानपुरी में भी पानी पेशाब की बोतल फेंकने का मसला जो है खबरों में चला था? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं आया। जिस दिन उस बंदे की मौत हुई थी, मुस्तफ़ा नाम के आदमी की मौत हुई थी, तो तकरीबन जमाती लोग सब नीचे आ गए थे। तो हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें बुलाया, हम पुलिस मित्र भी हैं यहाँ से सुल्तानपुरी से, तो हमें पुलिस मित्र 3-4 आदमी जो हमें बुलाया, तो हमने उनको अपनी भाषा में समझाया कि आप शांत रहें, अपने उसमें रहें, जो भी इस बंदे के साथ मौत हुई है, जो भी इसका मामला है, वो हमारी पुलिस इसकी जांच करेगी। और पुलिस ने जांच की है, जो भी उसमें आया होगा वो पुलिस ने उसका एक्शन लिया होगा जो भी है उसमें। तो वो हमारे कहने से सब लोग अंदर चले गए। उसी दिन से हमारे SDM साहब ने बहुत अच्छा काम करा, खाना टाइम पे मिला, रमज़ान आया, रमज़ान में अफ्तारी मिली, सहरी मिली, और कुछ हम मुकामी लोग हैं यहाँ से अपनी जेब से यहाँ के लोगों ने हमने पूरी। आप जमातियों पर आरोप भी तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, उन जमातियों के लिए कहा गया कि ये लोग जो है जानबूझ करके छुप गए, उसकी वजह से जगह जगह जो है वो केस बढ़े। देखो ये मामला तो आगे का मामला, इस मामले का तो हमें पता नहीं कहाँ क्या हुआ, लेकिन हमारे सुल्तानपुरी क्वारंटीन में जो मामला है, जो हमारे यहाँ 750 आदमी हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, हम अपने यहाँ के मुकामी लोग तमाम लोग मिलके उनकी जो भी हमसे सेवा हो रही है वो हम सेवा कर रहे हैं। ये लेकिन आरोप भी लगे थे ना कि जमात के लोग जो है वो छुप गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से जो है बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके मुताबिक ये जो ना फेक न्यूज़ ज़्यादा चलाई गई है जिससे कि मुसलमान को बदनाम करा जाए, ऐसा कोई मामला नहीं था। और हमारे जो सुल्तानपुरी के SHO साहब है और ADM साहब है, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, हमारे जो जमात वाले थे इनका काफ़ी ख्याल रखा गया है, पूरी मदद करी, पूरी मदद हमारे SHO साहब और ATM साहब ने बहुत करी है। SDM साहब की बस SDM साहब की एक बात और कहना चाहूँगा, SDM साहब की जितनी भी तारीफ की जाए, नागेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। वो हमारे सुल्तानपुरी क्वारंटीन में एक फरिश्ता बन के आए हैं और सभी लोगों को। लेकिन पूरी आप पर तो ये आरोप लगे ना कि आपने तो पुलिस के साथ में जो जमाती है उन्होंने तो जो है सही व्यवहार नहीं किया, ये तो आरोप लगे। पुलिस के साथ भी बहुत अच्छा, जमातियों का भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा। एक ही दिन का मसला है, जिस दिन वो बंदा मरा था बस उसी दिन जमाती सब लोग नीचे उतर के आए थे, उसके बाद में पुलिस ने और हमने मुकामी लोगों ने यहाँ से मिलकर उनको समझा दिया था, भाई अपने अपने घरों में कमरे में चले जाओ। इंडिया टीवी पे यहाँ का कोई इंटरव्यू दिखाया गया यहाँ के दो स्टाफ का के भाई, और उनका जूम करके दिखाया गया कि जमात के साथी देखो वहाँ पर सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसको अगर सर्च करके देखेंगे तो जमात के साथी सिर्फ वहाँ खाना लेने आते हैं, एक ट्रॉली के हिसाब से मैनेजमेंट ने उनको एक जिम्मेदारी दे रखी है कि एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली पे रख देंगे और वहाँ से अपना खाना ले जाओ। तो अभी जो यहाँ पर जो मौजूद जो मरकज़ के लोग हैं उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है? नेगेटिव, तकरीबन नेगेटिव ही है, और कोई ऐसा यहाँ पर इतने हाई लेवल पर कोई ऐसा पॉजिटिव मरीज नहीं था।
कि उसके लिए मतलब यहाँ पर क्या अफरा तफरी का माहौल होता। तो जमातियों की तरफ से जो खबरें आ रही थी यही आ रही थी कि नेगेटिव हो गई है, उसके बाद भी रखा जा रहा है। ये तो थी बिल्कुल बात, लेकिन देखो एक मेडिकल प्रोटोकॉल प्रशासन का जो कानूनी कार्रवाई है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हम उस चीज को भी समझ सकते हैं, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। अब मान के चलें कि आपने ऑर्डर कर दिया, हमारे पीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया, तो उस ऑर्डर को फॉलो लिखत में पहुंचने में भी 2-4-5 दिन लग जाते हैं। तो आज जो है 14 लोगों की पहली एक छुट्टी मिली है, 12 लोगों की मिली है, 14 नाम रेकमेंड करे थे जिसमें एक आदमी की आईडी जो थी वो नहीं मिल पाई किसी कारण से। हो सकता है एसडीएम साहब हमारे कल करें या परसों उसको, लेकिन वो अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे सबकी छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल जी, मैं खुद गया हूँ परसों एसडीएम साहब के पास ऑफिस में, ठीक है। वहाँ पर मैंने देखा कि वो सिर्फ यही काम चल रहे हैं, औरों के अलावा भी जोर यही दिया जा रहा है कि भाई जिनके 4-4 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है उनको घर पहुँचाया जाए। आज हमें एसडीएम साहब ने इजाज़त दी गाड़ियों के इंतजाम की कि भाई इनके गाड़ियों का इंतजाम अगर कर सकते हैं ठीक है, या इनके घर वालों को बुलाएं, तो हमने वो भी सिस्टम बनाया, गाड़ियों का इंतजाम किया और आज वो अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और कल इंशाल्लाह और पूरे के पूरे जितने भी नेगेटिव हैं सबको पहुंचाने एक वक्त में जो है ये जो है एक तरह से साबित करने की कोशिश की गई कि भारत में जो कोरोना है वो जमातियों की वजह से। देखिए जमातियों की वजह से कोई तो चीज़ का होता है, बुखार होगा ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सस्पेक्टेड बताएंगे वो कि भाई ये बुखार प्याज रखने से हुआ है या ठंड होने से हुआ है या किसी चीज़ से हुआ है। वो जो किया उन्होंने वो ठीक है, अब जो चल रहा है प्रेजेंट में वो भी ठीक है जी। एक वक्त में जो है ये कहा गया कि जमातियों की देन ही है कोरोना। हाँ, भारत में हम भी टीवी में सुनते थे, मीडिया ने यही बात फैलाई है, वो मीडिया की बात वो सब झूठ निकली और ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने प्लाज्मा भी दिया और ये अब बंद भी रहे और आज भी ठीक होने के बाद ये बंद है, जैसे ही प्रशासन की तरफ से टाइम मिल गया वैसे ये जा रहे हैं। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि टीवी में सही खबर चलेंगे आपके लिए? ये तो मीडिया वालों के हाथ में है ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि टीवी में मीडिया में सही करते हैं, अगर जो मीडिया सही आदमी यहाँ तक आ गया तो सही बात पहुँचाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। मीडिया सही भी चलेगी, उसमें क्या है, अगर मीडिया कोऑपरेट करना चाहे तो कोऑपरेट भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि तबलीगी जमात से रही है, वो पहले भी विदेश से इतने आदमी आए हैं, ये थोड़ी ना कि सारे तबलीगी जमात वाले आदमी आए थे, विदेश और भी आए हैं, कहीं और के भी आदमी आए हुए हैं, कि सबसे ज़्यादा तो वैसे आदमी आए हुए हैं ना, तबलीगी जमात के तो इतने आदमी कम आए थे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो सिर्फ ये है जी, हमारी तो दुआ यही है कि मीडिया हमारे खिलाफ जमातियों के खिलाफ रोज बोले, 24 घंटे बोले, लेकिन हमारी दुआ यह है कि इस कोरोना की जो स्थिति हमारे देश में पूरी दुनिया में है, अल्लाह इसे किसी तरह ऐसी दवाई बनवा दे, जैसा कि बताते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है दवाई के अलावा, सिर्फ हमारी दुआ यह है। हम हैं हाथी और वो जो भोंकने का काम कर रहे हैं उनका काम है जी, हकीकत तो यह है। दुनिया समझदार है, पब्लिक समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं, कौन क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर जमातियों का साफ तौर पर कहना है कि सुल्तानपुरी क्वारंटीन में जो है उनके साथ में अच्छे से व्यवहार किया गया, लेकिन जो मीडिया में जो फैलाया गया उसके उलट जो है ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो कहीं से भी मरकज के लोगों ने छिपने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी लोगों ने जो है वो सामने आकर के अपनी जांच करवाई थी और उसके बाद में लगातार प्रशासन का यहाँ पर मौजूद डॉक्टर का सहयोग किया और उसके आज जो है यहाँ पर 12 जमातियों की जो है वो छुट्टी हो गई है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है तमाम जमाती जो यहाँ पर जिनको क्वारंटीन किया गया था उनको जो है वो छुट्टी मिल जाएगी। सवाल यही है कि जो मीडिया की तरफ से जो बातें की गई थी और जो जमाती यहाँ पर बता रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है और सवाल यही है कि क्या जिस तरह से पहले जो भाईचारा था अब जमातियों के लेकर के जितना जो लांछन लगाया गया क्या वो दोबारा से जो भाईचारा है वो लौट पाएगा या नहीं। तो इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़।